टाइम मैनेजमेंट ये शब्द बिल्कुल गलत है। सतयुग से लेके कलयुग तक कितने ही बड़े बड़े धुरंधर आ गए, मगर आज तक कोई टाइम को रोक नहीं पाया। आज तक ये जो 24 घंटे मिले हैं ना, मैं इसको बढ़ा नहीं पाया। तो अगर हम टाइम को बढ़ा भी नहीं सकते और रोक भी नहीं सकते, तो हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, हम खुद को मैनेज कर सकते हैं, खुद को सिंक कर सकते हैं, ताकि हम टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, इम्पैक्ट ला सकें। लोगों की टाइम को लेकर के शिकायतें होती हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। मैं काम बहुत एफिशिएंटली करता हूँ मगर इफेक्टिव नहीं रह पाता। मैं कितना भी कर लूँ मगर वर्क लाइफ बैलेंस में तालमेल नहीं बिठा पाता। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज इन द चेजिंग ऑफ गेम, कभी ऐसा नहीं होता कि आई एम अहेड ऑफ टाइम। अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी है, तो आज आप सही वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को पूरा देखें। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इन सब क्वेश्चंस के एक बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर मिलने वाले हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस मॉडल को जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी जिंदगी में अपना पाए, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लाऊं और ऐसे फ्रेमवर्क बना के लाऊं जो आपको याद रखना भी आसान हो और अपनी ज़िंदगी में उतारना बहुत आसान हो। तो आज टाइम मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो है यूज़ ABC, USE, यूज़ ABC। इस यूज ABC को अगर आपने जिंदगी में उतार लिया, तो मेरी गारंटी है कि टाइम से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मगर सिर्फ एक शर्त है, वीडियो को एंड तक देखिएगा इस मॉडल की इफेक्टिवनेस समझने के लिए, क्योंकि ABC जो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस मॉडल का, वो एंड में है। फ्रेमवर्क में सबसे पहले जो यूज में आता है वो है यू। यू का मतलब है यूज स्क्रीन टाइम जुडिशियसली। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि मोबाइल में आदमी 2 घंटे टाइम बिताता है फालतू की चीजों में। आप देख रहे हो टिकटॉक और शॉर्ट्स और ना जाने क्या क्या रील्स, और कहाँ खो गए, कब रसाने लगा, और ऊपर फिर एक और। अरे एक मैसेज देखने के लिए फोन उठाया था, आधा घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। उसी तरह से जब आप टीवी के सामने बैठते हो एक सीरीज देखने के लिए, सिर्फ 20 मिनट के लिए बैठते हो और कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, जब सीरीज की सीरीज हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता, फिर आप बोलोगे कि टाइम नहीं है, तो बहुत गलत बात है। यूज योर स्क्रीन टाइम वेरी जुडिशियसली। ये स्क्रीन टाइम है ना, आजकल हमारा बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। वर्क में यूज का जो एस है, एस डिपिक्ट करता है सेट क्लियर डायरेक्शंस। एक वो कहते हैं ना कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द थिंग्स राइटली और टू डू द राइट थिंग्स। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक माउंटेन में चढ़ना है, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एकदम आप ऑक्सीजन की कमी है, और फिर भी आप चढ़े जा रहे हैं, बहुत मेहनत से ऊपर चढ़ गए आप, और जब आप चढ़ गए तो आपको पता चला, आई हैव क्लाइम्ब द रॉन्ग माउंटेन। सो गाइज, यू हैव टू क्लाइम द माउंटेन, बट यू हैव टू क्लाइम द राइट माउंटेन। आपकी दशा के साथ साथ आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने मेहनत तो बहुत कर दी मगर एंड में बोल रहे हो मेहनत करने पे रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही गलत हो गई थी। सो प्लीज डू राइट थिंग्स रादर देन डूइंग थिंग्स राइटली। इस फ्रेमवर्क में जो यूज का ई है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझे तो शायद आप टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट मिस कर जाएंगे। तो ये क्वाड्रेंट जो है ना, इसमें एक तरफ आता है इंपॉर्टेंट, एक तरफ आता है नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट। ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का क्वाड्रेंट है। तो अगर इस क्वाड्रेंट के आप एक्सट्रीम बॉटम राइट में देखेंगे, तो वो चीजें आती है जो कि ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को अपनी लाइफ से एकदम डिलीट कर दीजिए, कोशिश कीजिए कि जीरो हो जाए। जैसे कि आपका टिकटॉक, जैसे कि आपका रील्स, जैसे ऐसा कंटेंट जो आपको कंज्यूम नहीं करना है, ऐसे फालतू की गपशप जो आप एकदम चिट चैट जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें जिनमें आप टाइम बिता रहे हैं जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकिए। ये जो बॉटम लेफ्ट में है ना, चीज़ें जो कि अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है, इन चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी छुटकारा पाइए। मतलब मान लीजिए आपके घर में किसी ने नॉक नॉक किया, आपको दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा, आपका फ़ोन आ गया बॉस का या किसी का, आपको उठाना ही पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट हो गई हैं आपकी लाइफ में, उनको जल्दी से छुटकारा पाइए। या तो आप किसी को डेलीगेट कर दीजिए, या आप उनको खट 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 जल्दी से ख़त्म कर दीजिए, टाइम ना लगाइए वहाँ पर ज़्यादा। क्वाड्रेंट के टॉप लेफ्ट में जो आता है ना, वो चीज़ें जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं,
उनको आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, उसकी कोई देयर इज नो एस्केप। और आपने आज अभी इमीडिएटली उस पर अगर अटेंड नहीं किया, ख़त्म नहीं किया उनको, तो वो चीज़ें कोई ना कोई बड़ा नुकसान कर देगी। मान लीजिए आपकी फ्लाइट छूटने वाली है, या आपका बिजली का बिल खत्म होने वाला है, कोई प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है मगर खत्म होने वाली है, मतलब एकदम उसका टाइम खत्म हो रहा है, उसको आपको अटेंड करके जल्दी से जल्दी सारा फोकस मार डाल के खत्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ना तो सिर्फ इस क्वाड्रेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बल्कि टाइम मैनेजमेंट के पूरे फ्रेमवर्क का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, जो कि काम इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है। आपको पता है उस काम को करना है, कोई प्रोजेक्ट है आपको कंप्लीट करना है मगर समय है उसके लिए, आपको पता है कि आपको बिल भरना है उसका समय है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है मगर समय है उसके लिए, वो काम को आप समय रहते खत्म कीजिए, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। मगर इसमें एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, कुछ लोगों को अर्जेंसी एडिक्शन हो जाता है, मतलब उनको तब तक मजा नहीं आता जब तक लास्ट दिन पे बिल ना भरे, जब तक एकदम काम की आखिरी तारीख ना हो जाए और वहीं पे काम खत्म करें। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक फ्लाइट पकड़नी है, पहले तो आप घर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर कुछ कर रहे हैं, फिर आपको लगता है टाइम होने वाला है, फटाफट से आप कैब पकड़ते हैं, फिर कैब आती है, आप उसको बोलते हैं भगा बेटा भगा 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 भगा, अरे ट्रैफिक में भगा, अरे यहाँ से घुमा, अरे ये कर, फिर वहां पहुंचते हो एयरपोर्ट में, देखते हो अरे बड़ी लाइन पड़ी है, फिर आप भागते हो, लाइन तोड़ते हो, ये लाइन तोड़ते हो, वो लाइन तोड़ते हो, अरे सॉरी 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 मेरी फ्लाइट छूटने वाली है, फिर आप जाते हो आगे 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 हाफ रहे हो आप, और फिर आप पहुंचते हो वहाँ एयर होस्टेस, आपका नाम गुंज रहा है पूरे एयरपोर्ट में, अरे ये दिस इज द लास्ट एंड फाइनल अनाउंसमेंट, और फिर एयर होस्टेस अकेली आपको बस में आपके एयरक्राफ्ट तक ले जाती है, एयरक्राफ्ट में जब आपकी एंट्री होती है ना, आपको लगता है कि बॉस आज तो सेलिब्रिटी एंट्री होती है, और फिर जब आप बैठते हो सीट में पसीने से लथपथ, फिर जो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, तो आपको लगता है तो आज तो मजा ही आ गया है और अचीव कर लिया मैंने, फ्लाइट पकड़ ली, और वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में ऐसी चीज़ों का मजा आने लग जाता है। इसे कहते हैं अर्जेंसी एडिक्शन, जैसे शराब की एडिक्शन होती है ना, सिगरेट की एडिक्शन होती है, वैसे ही ये अर्जेंसी की भी एक एडिक्शन होती है। आप सबकॉन्शियस कॉन्शियस में आप पोस्टपोन करते जाते हो, प्रोस्टपोन करते जाते हो, प्रोकास्टिनेट करते जाते हो, एंड में जब उसको खत्म करते हो तो आपको लगता है आह मजा आ गया। इस चीज़ को अपनी लाइफ से पकाइए, इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालिए, बिकॉज ये अर्जेंसी एडिक्शन सबसे खतरनाक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट में। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को अर्जेंट बनने से पहले खत्म कर दीजिए। इस यूज ABC के मॉडल में जो ए है, ए कहलाता है ऑटोमेट ऑल्टर एंड आउटसोर्स। ऑटोमेट ऑल्टर आउटसोर्स तीन चीज़ें हैं, जो भी रिपीटेटिव चीज़ें हैं उनको ऑटोमेट कर दीजिए, कुछ भी चीज़, उससे आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और टाइम भी बचेगा। दूसरा ऑल्टर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऑल्टर कर दीजिए अपनी लाइफ में, जैसे कि आप समझ लीजिए कोई कॉल दे रहे हैं, कॉल आपने एक घंटे के लिए, आप देखिए कि आधे घंटे कर सकते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि कोई भी मीटिंग, कोई भी कॉल जिसमें मुझे 15 मिनट से ज़्यादा लगते हैं वो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि 15 मिनट में अगर किसी चीज़ को समझ के मैं डिसीजन नहीं ले सकता, इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी नहीं है। उसी तरह से कोई भी चीज़ आपको लगता है जहाँ पे कि आप ऑल्टर करते हैं चीज़ों को, कर सकते हैं चीज़ों को, कर दीजिए। तीसरी चीज़ है आउटसोर्स, आपके टाइम की एक कीमत होती है, देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ योर टाइम। मान लीजिए आप खुद ही ड्राइविंग कर रहे हैं, खुद ही घर का काम कर रहे हैं, खुद ही आप अपनी गाड़ी भी धो रहे हैं, तो आपका टाइम कहीं ना कहीं हर चीज़ में जा रहा है। आप कौन कौन सी चीज़ें अपने लाइफ में आउटसोर्स कर सकते हैं इनको देखिए, बिकॉज देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एवरी टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन एवरीथिंग। तो जहाँ कहीं भी आप जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप ये देखिए कि अगर उस टाइम को इफेक्टिवली कहीं और यूटिलाइज किया जा सके तो शायद वो वहाँ से आप ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर पाए, कंपेरेटिव वो काम करने को जो कि आप शायद किसी को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, शायद वो जितना आप अच्छे से कर रहे हैं उतना ही अच्छे से वो भी कर देगा। सो ऑटोमेट ऑल्टर एंड आउटसोर्स। इस यूज ABC के मॉडल में जो बी आता है उसका मतलब है ब्लॉक टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में 5 डायमेंशंस होती हैं, वर्क, फैमिली, हेल्थ, हॉबीज एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप एक महीने में इन 5 चीज़ों को एक डिसेंट टाइम नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटीज गड़बड़ा रही है, या फिर शायद आप अपने टाइम को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फैमिली, वर्क, हेल्थ, हॉबीज एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आप देखिए कि आपका टाइम कहाँ पे नहीं है, अपने टाइम को उस पर्टिकुलर हिस्से में ब्लॉक कीजिए। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वर्क में हो तो वर्क में रहें, फिर फैमिली को बीच में ना लाएं, फिर अपनी हॉबीज को बीच में ना लाएं, और जब आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ ही रहिए, ब्लॉक कीजिए टाइम को। मान लीजिए आप छुट्टी पे गए हैं तो पूरी तरह से छुट्टी पे रहिए, पूरी टोटैलिटी में छुट्टी में रहिए। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरी टोटैलिटी में काम करिए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कहीं पे भी पूरी टोटैलिटी से नहीं कर पाते काम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेट प्रायोरिटीज व्हेन वी आर ब्लॉकिंग टाइम। इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रायोरिटाइज द शेड्यूल और शेड्यूल द प्रायोरिटीज।
इंपॉर्टेंट फॉर अस टू शेड्यूल द प्रायोरिटीज. कई बार आप शेड्यूल तो बहुत अच्छा बना लेते हैं मगर प्रायोरिटीज को शेड्यूल नहीं कर पाते. वेरी इंपॉर्टेंट. और आपका अगर एक दिन है ना, एक दिन में अपने टाइम को जब आपने ब्लॉक किया है, मान लीजिए आप ऑफिस में, तो ऐसा नहीं कि आप 7-8 घंटे लगे हुए हैं एक साथ काम करने, एक घंटे के बाद 5-7 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए, वॉक करके आइए, इधर उधर जाइए और पानी पीजिए, जूस पीजिए. उसके बाद मैं जैसे री एनर्जाइज करने के लिए अपने आप को यस 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 3 बार करता हूँ तो बॉडी पूरी जोश से भर जाती है. तो एक ब्रेक जरूर लीजिए टाइम में, जहाँ पे भी आप ब्लॉक कर रहे हैं ना टाइम, उसके बीच में 5 मिनट की ब्रेक जरूर रखिए ताकि अपने आप को ब्रेक दे पाएं. अगर कंटिन्यूसली आप काम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ब्लॉकिंग में, हम कई बार क्या करते हैं ना, जो मुश्किल काम होता है उसको धकेलते जाते हैं आगे, उससे हमारी एफिशिएंसी बहुत कम होती है. कहते हैं कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब कि जो डिफिकल्ट काम है ना उसको पहले निपटा दो. उसको अगर आप पहले निपटा दोगे तो आपके दिमाग को बहुत रिलीफ मिल जाएगा और फिर बाकी कामों को आप बहुत 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 एफिशिएंटली कर पाएंगे. मगर आपने अगर डिफिकल्ट वाला काम एंड के लिए रखा है ना, तो पूरे दिन स्ट्रेस में उस काम के बाकी काम भी सफर करेंगे. सो इसलिए ईट द फ्रॉग फर्स्ट. यूज ABC के एंड में जो सी आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी. ये कंसिस्टेंसी अगर आपकी नहीं होगी तो जितना आपने अभी तक मेहनत की है ना वो जीरो हो जाएगी. आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप बहुत दिनों से, फिर आप शादी में जाते हैं, सारा टाइम गड़बड़ा जाता है, ब्रेक ले लेते हैं, 1-2 महीना आपका गड़बड़ा जाता है, दोबारा से आप जब जाते हैं ना तो जीरो से शुरू करना पड़ता है. तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी लाइफ में अगर कोई गोल है ना तो उस गोल को छोड़िए मत, रोज उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए. अगर कोई प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला है, आपको लगता नहीं 1-1 घंटा मैं ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, 10-10 मिनट करके उसको रिव्यू कर लीजिए. जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, गोल को अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए. नहीं तो क्या होता है ना, एंड में पता चलता है कि गोल की जगह गोल गोल ही घूम रहा है सब कुछ. और जब गोल 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 घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो, बहुत बड़ा जीरो. तो अपनी लाइफ को जीरो मत बनने दीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए. पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये कहती है कि जितनी कंसिस्टेंसी से आप चलेंगे किसी भी डायमेंशन में लाइफ की, उतना ही डिसप्रोपोर्शनेट रिजल्ट आपको मिलेगा. सो प्लीज बी कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर यू आर डूइंग. पर इस फ्रेमवर्क को साथ में रिवाइज करते हैं. यू स्टैंड्स फॉर यूटिलाइज स्क्रीन जुडिशियसली, एस स्टैंड्स फॉर सेट क्लियर डायरेक्शंस, ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एंड इंपैक्टफुल यूज ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट, ABC. A stands for automate, alter and outsource. B stands for block time. C stands for consistency. इस यूज ABC के फ्रेमवर्क को अपनी लाइफ में पूरी तरह से इंप्लीमेंट कीजिए, अपने वर्क स्टेशन में कहीं चिपका दीजिए और पूरी तरह से इंप्लीमेंट कीजिए. देखिए कहीं डिबेट ना हो पाए. और इस फ्रेमवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों पे, अपने टीम पे, अपने रिलेटिव्स पे. हर एक आदमी को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप चाहते हैं कि कोई मैं टॉपिक लेके आऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मिलते हैं एवरी संडे इन सैटरडे फंडे. तब तक के लिए अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करिए. यूज ABC.